हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है मुगल काल हम देखेंगे। मुगल काल से आपके जो क्वेश्चन है वो अधिकतर देखने को मिलते हैं। बाकी ये दिल्ली सल्तनत मैंने ऑलरेडी करवा दिया, जितने मैंने आपको सिलेबस में टॉपिक बताए हैं उसमें से मैक्सिमम आपके हो गए हैं, लेकिन ये मुगल काल आपका बच गया था। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुगल काल से अगर आप देखें, एक तो इनका जो एक क्रम आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे इनके मकबरे पूछे जा सकते हैं, तीसरा इनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ और इम्पॉर्टेंट काम भी किए हैं, वो सभी भी आज की वीडियो में इंक्लूड करेंगे। डिटेल में ये वीडियो आपकी रहने वाली है और आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज की वीडियो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, क्योंकि अभी जो है व्हाइट बोर्ड पर जो है अभी पॉसिबल नहीं है वीडियो बनाना, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। तो अभी मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ से आपके लिए मैं क्लासेस लाता हूँ। बाकी जैसे ही व्हाइट बोर्ड पे मैं जो है वहाँ पे रीचेबल हो जाता हूँ, वहाँ पहुँच जाता हूँ आपके लिए, वहाँ से रेगुलर क्लासेस आपकी जल्द से जल्द जो है स्टार्ट कर देंगे। और बाकी जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट का जो एक मंथ है इसमें आपके लिए 2 से 3 क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाए, वो भी व्हाइट बोर्ड पर सभी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही संभव हो पाता है मैं अपनी जगह पर वापस पहुँचवाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल काल के बारे में सबसे पहले देखेंगे, इनका क्रम देखेंगे। क्रम इसको कैसे याद रखना है, आपने रखना है BHAJSA। तो ये आप जो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। देखिए तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपके पास बाबर है। सबसे पहले जो है भारत पर जो है मुगल शासक कौन था जिसने जो है भारत पर जो है गद्दी पर बैठा, तो ये आपका बाबर ही था, इस तरह से याद रखेंगे। बाबर के बाद आया हुमायूं, उसके बाद आता है आपका अकबर, अकबर के बाद आते हैं आपके जहांगीर, उसके बाद शाहजहाँ और फिर आपके औरंगजेब। ये था आपको इसको क्रम को याद रखने का तरीका। अब इसको याद आप कैसे रखेंगे, आपने मैंने जो आपके पास जो लेटर लिखे हैं वो सभी के फर्स्ट है, तो BHAJSA, तो ये भाजसा है, इसको आप भाजपा के साथ याद किए, भाजपा आपने याद रखना है, लेकिन आपने एग्ज़ाम में रखना याद सा है, तो ये भाजपा ना होकर आपने याद रखना है भाजसा, लेकिन रिलेट इसको आप भाजपा से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर्पज़ सिर्फ पढ़ने का है, बाकी राजनीतिक दलों की ओर आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो कि आपका मेन पर्पज़ है वो है आपका पढ़ाई। तो आपने भाजपा से याद रख दिया भाजसा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे है ये। सबसे पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद आपके कौन आते हैं, उसके बाद अकबर आया, उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद जहांगीर आया, उसके बाद कौन आएंगे, फिर आएंगे आपके जो है शाहजहाँ, और फिर लास्ट में आपके औरंगजेब। तो ये है मुगल शासकों का क्रम। अब देखिए सबसे पहले बाबर आया, तो यानी कि बाबर जो है सबसे पहले आया था, तो वो कहाँ से आया था, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ अभी कहाँ से आया था, तो ये आया था आपके काबुल से। देखिए क्यों बता रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको क्वेश्चन मैक्सिमम याद भी हो जाएंगे। तो काबुल से आया था, ये काबुल कहाँ है आपका, ये अफ़गानिस्तान में है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको याद रखिए कि बाबर कहाँ से आया था, तो बाबर आया था आपके अफ़गानिस्तान से। मैंने काबुल क्यों कहा, क्यों, क्योंकि जो काबुल में है बाबर का मकबरा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा है आपके काबुल में, जो कि आपके भारत से बाहर है। चलिए जी, इसके बाद हम बात करेंगे बाबर के बारे में, डिटेल में देख लेते हैं कि बाबर ने क्या क्या किया, कब कब किया, और कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो बाबर का जो है जन्म आपको पता होना चाहिए, 1483 में जो है बाबर का जन्म हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, फरगना, तो ये आपका फरगना में हुआ था, इम्पोर्टेंट है याद रखना है। क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये मुझे याद आ रहा है कि कमीशन का जो TGT आर्ट्स का 2019 में कमीशन हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बाबर का जन्म 1483 में कहाँ हुआ था, शायद जो डेट भी दी गई थी, मतलब ईयर भी दिया था, लेकिन जगह का नाम इसमें नहीं दिया था, कि शायद यार जगह का नाम दिया था, ईयर इसमें नहीं बताया था। तो आपने दोनों याद रखना है, 1483 में फरगना में हुआ था बाबर का जन्म, तो मूल रूप से बाबर का जो है कहाँ से था, ये आपका फरगना से था, इसके जो पूर्वज थे कहाँ से, तो ये फरगना से थी। इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए सबसे पहले आप जो एक नोटबुक ले लीजिए, अभी भी वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, जितने मैं आपको क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन ना केवल आपके अभी टेट के एग्ज़ाम में, बल्कि आपके आगे आने वाले कमीशन में, और अगर आप किसी और कंपिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की वीडियो डिटेल में बता रहा हूँ, हर किसी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुगल साम्राज्य से आपके जो मुगल काल से आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिले किसी कंपिटेटिव एग्ज़ाम में। अब देखिए बाबर का जन्म हो गया, इसके अलावा जो इसने एक जो है उपाधि जो है अपने को धारण की थी, वो की थी इसने पादशाह।
जो जितना इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट याद करने की कोशिश की। उपाधि इसने जो ली थी ये ली थी आपकी पातशाह की, 1506 के आसपास की ये बात है। 1506 लिखा है कई बुक्स में, कई 1507 लिखा है, ये आपने याद नहीं रखना है, बस आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता हो। भारत पर आक्रमण के लिए जो है निमंत्रण किसी ने भेजा था, सबसे पहले जो है भारत को जो आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था तो ये किसने भेजा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था, किसने निमंत्रण भेजा था। तो ये थे पंजाब के गवर्नर थे आपके, जिनका नाम आपको याद रखना है। तो ये क्या नाम है आपका, ये है दौलत खां लोधी। हो सकता है थोड़ा सा लिखाई में इसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ और स्पेशली मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा स्क्रीन भी थोड़ी कम है, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आप इसको एडजस्ट कीजिएगा। आपका मेन पर्पज़ है यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करना, एग्ज़ाम क्लियर करेंगे आप नॉलेज के साथ, अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान ना देकर डायरेक्ट आप जो है क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए, आपको मैंने बता दिया भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किया था, किसने किया था, पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना तभी बता रहा हूँ। अब इसके अलावा बात करेंगे कि बाबर का जो है, बाबर ने जो युद्ध लड़े, इंपॉर्टेंट युद्ध है बाबर ने जो लड़े, वो आप कैसे याद रखेंगे। मैंने पहले भी वीडियो में जो है मध्यकालीन भारत के युद्ध बताया है, अगर आपने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इंपॉर्टेंट है उसको देखना। मध्यकालीन भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध है मैंने कोशिश की इंटरेस्टिंग तरीके से आपको जो है उसको याद करवाने की। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपने याद रखना, पानी पियो, खाना खाओ, खाना खाओ, चलो घर। तो ये आपने बस इतना सा याद रखना है, यही है आपका बाबर के जितने भी युद्ध हुए इसमें सभी कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है पानीपत का, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है तो वो किसके द्वारा लड़ा गया था, बाबर द्वारा लड़ा गया था। इसके अलावा जो है किसके साथ लड़ा था उसने, इब्राहिम लोधी के साथ। एक बात आपने याद रखनी है, जितने भी बाबर ने युद्ध लड़े सभी में विजयी बाबर ही रहा, तो ये भी आपके लिए एक फैक्ट है। कहीं आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता किस युद्ध में जो है बाबर हारा था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा क्या बाबर किस युद्ध में हारा था, और आपके पास युद्ध आपके पास ये सभी दे सकते हैं जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि पानी से बनेगा पानीपत का युद्ध, उसी तरह जो है आगे हम चलते हैं, पानी पियो, खाना खाओ, और खाना खाने से, खाना खाओ से क्या बनेगा आपका, खाना खाओ से बनेगा आपका खानवा का युद्ध। आपके दोनों ये साथ साथ आएंगे, पानी पियो यानी कि पानीपत का युद्ध, खाना खाओ यानी कि खानवा का युद्ध। उसके बाद आएगा आपका चलो घर, तो चलो से आपका चंदेरी और घर से आपका जो है घाघरा का युद्ध। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जितने भी युद्ध थे ये सभी इसमें कवर हो गए, और ये इन सभी में जो विजयी कौन रहा था, इन सभी में विजयी आपका जो है बाबर रहा था। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो है किस किस के साथ हुए। पानीपत के युद्ध की बात की जाए तो 1526 में ये हुआ था, तो ये आपने इतना सा याद रखना, 1526 में हुआ था। अगर आप खानवा की बात करें तो 27 में हुआ था। इसके अलावा जो आपके पास चंदेरी का युद्ध है जिसको चलो दिखाया, चंदेरी का जो है आपका 28 में हुआ था, और घाघरा का युद्ध आपका जो है 29 में हुआ था। 30 में बाबर की मृत्यु हुई थी, तो इसमें ज़्यादा आपको जो है कोशिश नहीं करनी है याद नहीं, एक ही आपने याद रखना है, आपने रखना पानीपत का युद्ध 26 में, उसके बाद आपके पास 27, 28 और 29। और इनको सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर, यानी कि पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध, उसके बाद आपका जो है बाबर 30 में मर गया। ये भी आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ कि जब वो बाबर मरा तो उसका जो मकबरा कहाँ बनाया गया वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, काबुल में। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आप घुमा फिरा के देखेंगे तो सभी क्वेश्चन यहीं पर आपके आंसर मिल जाएंगे, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, क्या मैं बता रहा था आपको कि जो आपका जो पानीपत का युद्ध है किस किस के साथ, तो किस किस के जो है युद्ध है इसमें एक फैक्ट मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें सभी विजय कौन रहा, विजय इसमें सभी में जो है बाबर ही रहा। पानीपत का जो पहले युद्ध की बात करते हैं तो इब्राहिम लोधी के साथ ये हुआ था। इसके अलावा बात करेंगे खानवा का युद्ध जो आपका 27 में हुआ, ये आपका राणा सांगा के साथ हुआ था। और इसके अलावा आपका जो चलो यानी कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ 1528 में, ये हुआ था आपका मेदिनी राय के साथ। और इसके अलावा जो घाघरा का जो युद्ध हुआ था ये अफगानों के साथ हुआ था। तो ये आपको याद रख सको तो रख लेना, बाकी जो है इस तरह इतने जो है डेप्थ में आने की कोशिश मत करना, एक बार लिख लीजिए, अगर याद हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बेशक होगी लेकिन जो है नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप इसको जरूर देखिएगा और आप कोशिश करिएगा कि दूसरों के साथ भी इसको शेयर की जाए। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे मकबरा, हमने इसका देख लिया। एक और आपकी बात है, बाबर की जो आत्मकथा इंपॉर्टेंट है, बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा के नाम से इसको जाना जाता है,
बाबरनामा। तो बाबरनामा के नाम से जाना जाता है बाबर की आत्मकथा को, जो कि आपकी किस भाषा में लिखी है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुर्की भाषा में। तो तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबर की आत्मकथा, और इसी आत्मकथा को तुजुके बाबरी भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ जो है मुझे लिखनी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप सुन लीजिए। तुजुक अ बाबरी, तुजुक ए बाबरी किसकी है, तो ये आपकी बाबरनामा का ही दूसरा नाम है, ये आप कहिए। इसके अलावा जो है इसका जो है बाबरनामा का जो आपकी आत्मकथा है इसका जो है फारसी में जो अनुवाद करवाया था वो करवाया था अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि समय लग जाएगा, फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके अलावा और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो ये अनुयायी था, आपका जो प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का ये अनुयायी था। किसकी बात करें हम, बाबर की बात करें, तो जाहिर सी बात है बाबर ही अनुयायी होगा। किसका अनुयायी था ये लिख देता हूँ क्योंकि ये हो सकता है इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा जाए। ख्वाजा, माफ कीजिएगा, ख्वाजा उबेदुल्ला, तो ये कुछ इस तरह से लिखना है, तो आप इसको लिख लीजिए। तो ये अहरार का अनुयायी था, आगे अहरार भी है, तो ख्वाजा उबेदुल्ला अहरार का अनुयायी था आपका जो है बाबर। और ये कौन था, तो ये था आपका एक प्रसिद्ध नक्शबंदी, तो सूफी था ये, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए बाबर को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं हुमायूं की ओर। हुमायूं इंपॉर्टेंट है आपका, उसी तरह जिस तरह आपका जो है बाबर इंपॉर्टेंट है। हुमायूं की बात करते हैं, हुमायूं ने क्या क्या किया और क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट इसमें हो सकते हैं। तो बाबर की बात करेंगे हम हुमायूं की बात। जैसे कि बाबर आपका जो है अफगानिस्तान से आया था, यानी कि निमंत्रण भेजा था, इसको किसने भेजा था याद करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं दौलत खान लोधी, तो आप बिल्कुल सही है, जो कि आपका कहाँ का गवर्नर था ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था आपके पंजाब का गवर्नर। इस तरह से क्वेश्चन आप जो घुमा फिरा के पूछने की कोशिश की जाती है इधर एग्जाम में, बाकी क्वेश्चन आपके सेम वही रहते हैं। तो अब जैसे कि बाबर आपका काबुल से आया था, काबुल में इसका मकबरा है, जैसे कि अफगानिस्तान से आया था, लेकिन जो है हुमायूं कहाँ था, हुमायूं अब यहीं पे था, तो इसका मकबरा कहाँ होगा, तो इसका मकबरा भी यहीं पर होगा। तो यानी कि इसका मकबरा कहाँ है आपका, इसका मकबरा आपका दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना। इस तरह से क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो मकबरे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, जो कि काफ़ी जो है थोड़े से जो है ये कहे कि आप याद रखने में परेशानी हो सकती है। चलिए बात करते हैं हुमायूं की, हुमायूं के और फैक्ट देखते हैं क्या क्या है। हुमायूं ने एक जो जीटी रोड है, इंपॉर्टेंट है जीटी रोड, तो ये जीटी रोड है जो इसका जो है आधुनिक निर्माण या फिर कहीं इसकी मुरम्मत, कई जगह इसकी मुरम्मत लिखा होता है, कई जगह क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि आधुनिक निर्माण जो जीटी रोड का जो है वो किसने करवाया था, तो ये करवाया था आपके जो है हुमायूं द्वारा। तो ये इसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माफ़ कीजिएगा, हुमायूं ने नहीं करवाया था, ये किसने करवाया था जीटी रोड का जो है, जीटी रोड का करवाया था आपके शेरशाह सूरी ने, तभी जो है ये जो है शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से इसको जाना जाता है। अब जो है शेरशाह सूरी का नाम आया बीच में, क्यों आया मैं आपको बताने जा रहा था कि इन दोनों के जो है बाद कौन आता है, इन दोनों के बाद यानी कि हुमायूं और अकबर के बीच में जो एक शासक हुआ जो कि आपका कौन था, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने जो क्या किया, शेरशाह सूरी ने जो है ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड की जो है मरम्मत करवाई थी, इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना है। हुमायूं के बारे में देखते हैं, हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं को एक तो आपके जो है हुमायूं को सरहिंद के युद्ध में विजय होने के पश्चात इसने सबसे पहले जो है 1555 में दिल्ली की गद्दी पर जो है राज किया। इसने एक जो है क्या किया था, इंपॉर्टेंट काम क्या किया था इसने, जो है चौसा का युद्ध एक लड़ा था, तो वो आपका कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये आपने जो इसका इंपॉर्टेंट है हुमायूं का, बाकी यही है इसका मकबरा आपने बता दिया दिल्ली में है। तो चौसा का जो युद्ध है इसका जो एक इंपॉर्टेंट काम है ये आपने बस याद रखना है। चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये दो चीज़ें हैं, एक तो आपका 1539 यानी कि 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा था, इसमें जो शेर खां कहे या फिर आपका शेरशाह सूरी कहे, ये दोनों एक ही है आपके, तो शेरशाह या फिर शेर खां, तो ये दोनों एक ही है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं है। इसके साथ ये युद्ध इसने लड़ा था चौसा का युद्ध हुमायूं ने। इसके बाद फिर से 40 में एक युद्ध होता है जिसमें ये हार जाता है, उसके बाद आपके शेरशाह सूरी आपके जो है शासन करने आ जाते हैं। इसी कारण जो है बीच में शेरशाह सूरी आ गए, तो शेरशाह सूरी का जो है ये भी आपसे पूछा जाता है कि इसका जो है मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है आपका, तो ये है आपके सासाराम में, इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूँ, शेरशाह सूरी का आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। हुमायूं का मैंने बता दिया दिल्ली में, शेरशाह सूरी का आपका सासाराम, बस इतना सा आपने याद रखना है।
इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आपके अकबर की बात करेंगे। शेरशाह सूरी ने जो है उसके बाद फिर से जो युद्ध होता है अकबर के साथ होता है, किसके साथ होता है ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ये आप छोड़िए, आप ये देखिए कि फिर से आपके जो है इसमें अकबर आते हैं, लेकिन उससे पहले हुमायूं फिर से गद्दी पर बैठता है 1555 में। ये आपने याद रखना है कि 1555 में एक बार फिर से हुमायूं गद्दी पर बैठता है, और उसकी मृत्यु के बाद आपके जो है अकबर जो है आपके देखने को मिलते हैं गद्दी के ऊपर। और अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर का जो इंपॉर्टेंट था युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये कब हुआ था आपके 1556 में। हो सकता है आपसे डेट भी पूछी जाए, तो ये 5 नवंबर को हुआ था, 5 नवंबर 1956 को आपका जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो ये आपका जो अकबर का है इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है, जिसमें कि उसने किसको हराया था। या हो सकता है आपसे ऐसा पूछा जाए, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि हेमू को इसने जो है पराजित किया था। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। और इसके बाद जो अफगानों की जो सत्ता है उस देव के लिए भारत से समाप्त हो गई थी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद जो है अफगानों की सत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी, तो पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद जो है हमेशा के लिए जो अफगानों की सत्ता जो है भारत से समाप्त हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपके पास इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसमें। अकबर के 9 रत्न थे, 9 रत्न थे, और इस बार शायद जो TGT का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मुझे याद आ रहा है कि शायद इसमें जो है 9 रत्न आपके पूछे गए थे, कि 9 रत्न आपके कौन कौन से थे, शायद कुछ इस तरह से था, यानी कि किसी एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि 9 रत्न कौन कौन से थे और इसमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले अबुल फजल मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, ये बुक्स में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको सुनने से ये याद हो जाए, जितना इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। अबुल फजल की बात की जाए तो अकबरनामा की रचना की इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने फेजी है, फेजावत जी की अगर मैं बात करूं तो लीलावती एक जो है गणित ग्रंथ था, अगर आपको याद हो या आपने पढ़ा हो, तो इसकी जो रचना फेजी द्वारा की गई, तो ये भी कौन थे, तो ये भी आपके अकबर के 9 रत्न में से एक थे। इसके अलावा आपके जो है तानसेन, तानसेन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, तो तानसेन जो है आपके इनका जो है वास्तविक नाम कई बार पूछा जा सकता है, तो रामतनु पांडे थे। और इसके अलावा जो वाणी विलास कंठ भरण, तो इस तरह की एक उपाधि दी गई थी, मैं लिख लेता हूँ कि क्या था उपाधि का नाम, ये अकबर द्वारा ही दी गई थी, तो वाणी विलास जो है एक उपाधि दी गई, वाणी विलास कंठाभरण की उपाधि किसे दी गई थी, तो ये तानसेन को दी गई थी, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अब बात करते हैं बीरबल की, बीरबल भी 9 रत्नों में से एक था, तो इसमें ये बचपन का नाम अक्सर पूछा जाता है, तो महेश दास था। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, किसी भी व्यक्ति का जो है उनके बचपन का नाम, उसका पूरा नाम या फिर इसका पहले वाला नाम, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। बचपन का नाम अधिकतर क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं आपके हमीरपुर बोर्ड वाले, तो बीरबल का जो है बचपन का नाम तो महेश दास था, मैंने बता दिया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र हिंदू राजा कौन था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया, दीन ए इलाही ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था आपके अकबर द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एकमात्र जो आपका हिंदू राजा था वो कौन था, तो आपका बीरबल था, जो कि 9 रत्नों में से एक था, जिसने जो है दीन ए इलाही को जो है स्वीकार किया था, ये आपने इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपके पास टोडरमल की अगर मैं बात करूँ, तो टोडरमल है जो आपका वो अकबर के दीवान थे, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और इसने जो है एक जो है दहशाला बंदोबस्त, अगर मैं आपको लिख देता हूँ दहशाला, मुझे अभी एहसास हो रहा है कि अगर मैं रियली व्हाइट बोर्ड पे होता तो कुछ और अलग बात होती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है नॉलेज मिल सके। ये वीडियो बिल्कुल एज इट इज़ वैसी ही रिपीट की जाएगी, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से फिर से इसको रिकॉर्ड करके आपको जो है प्रेजेंट करूँ। तो इसने दहशाला जो है बंदोबस्त की जो है स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, 1580 में की थी, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। इसके अलावा राजा मानसिंह, तो राजा मानसिंह जो है ये क्या है, अब्दुल रहीम खान है, खाना इसको जो है कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा, राजा मानसिंह है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसने जो एक काम किया था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ, इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था वो क्या था, अच्छा राजा मानसिंह से मुझे याद आया, ठीक है, राजा मानसिंह ने एक जो है युद्ध लड़ा था, अगर आपको याद हो 1576 में एक जो है युद्ध लड़ा गया वो राजा मानसिंह द्वारा, यानी कि जितने आपके 9 रत्न हैं, मैंने कैसे याद किया है कि जितने भी आपके 9 रत्न हैं उन सभी 9 रत्नों के एक एक फैक्ट मैंने याद किया है, इससे वो 9 रत्न जो नाम है वो भी याद हो रहे हैं, उनके साथ जो एक एक उन्होंने दो दो काम किए हैं वो भी आपके याद हो रहे हैं, तो ये एक फैक्ट बन सकता है, इस तरह से आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो राजा मानसिंह ने 1576 में युद्ध लड़ा जिसको कहा जाता है हल्दीघाटी का युद्ध।
तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो किसके द्वारा लड़ा गया? राजा मानसिंह द्वारा ये लड़ा गया था। किस किस के बीच था, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा था महाराणा प्रताप। और इसमें जो विजय था, विजय आपके जो है यही हुआ था राजा मानसिंह, तभी मुझे ये याद आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके पास अब्दुल रहीम खान ने खाना, तो अब्दुल रहीम खान ने खाना है ये भी आपके जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एक नवरत्नों में से एक थी। इनका मुझे ऐसा कोई फैक्ट लगा नहीं जो को आपको बताने के लिए जो है ज़रूरी हो। इसके बाद है आपके पास फ़कीर अजुद्दीन, ये भी आपका ऐसा ही है। उसके बाद है मुल्ला दो प्याजा, जो नौवा रत्न है आपका लास्ट भी है मुल्ला दो प्याजा। इसको क्यों नाम दिया गया, इसके पीछे एक स्टोरी है कि दो प्याज इसको जो है खाना खाने के समय अधिक पसंद थे, तो इसी कारण इसे मुल्ला दो प्याजा कहा गया। तो इसको आप ऐसे ही याद रख लीजिए। चलिए और देखते हैं 1575 में एक और काम हुआ था अकबर द्वारा, वो क्या था? आपका इम्पोर्टेंट है, आपने कई बार एग्ज़ाम में भी देखा हो, इबादत खाना। इबादत खाना की जो है स्थापना की गई, ये भी अकबर द्वारा की गई। कब की गई थी, तो ये की गई थी 1575 में। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको एक अलग से ही इबादत खाना कर दिया गया था, यानी कि प्रे करने के लिए, गॉड से प्रे करने के लिए कुछ इस तरह से था ये। आगे है आपके पास दरबार का, इसमें एक जो है प्रसिद्ध चित्रकार भी था जिसका जो है नाम कई बार आपसे क्वेश्चन में देखने को मिलता है, वो है अबू समद। तो अबू समद जो एक प्रसिद्ध चित्रकार था, ये किसके दरबार का था? तो ये आपका अकबर के दरबार था, जिसको कि एक उपाधि दी गई थी अकबर ने, तभी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज ये इम्पोर्टेंट नहीं था। तो शीरी कलम, तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा जाए कि शीरी कलम की जो उपाधि है अकबर द्वारा किस चित्रकार को दी गई, या फिर किस मुगल शासक द्वारा जो है शीरी कलम की उपाधि अबू समद को दी गई, तो ये अकबर द्वारा दी गई। तो ये इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है हल्दी घाटी का जो युद्ध है मैंने आपको बता दिया। 1601 में अंतिम सैन्य अभियान कई बार पूछा जा सकता है, तो दक्षिण में खाना जो खान देश है उस पर जो है असीमगढ़ का जो किला है उसको जीता था अकबर ने, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अच्छा, एक और फैक्ट आपका अकबर से भूल गया है, वो है मकबरा। तो मकबरा इसको मैं डायरेक्ट में बता देता हूँ कि मकबरा कहाँ है, तो ये सिकंदरा में है। तो सिकंदरा में है अकबर का मकबरा, इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। मैंने पहले ही बता दिया, बाबर के मकबरे की बात की जाए काबुल में, हुमायूं के मकबरे की बात की जाए दिल्ली में, उसी तरह शेरशाह सूरी का मकबरा आपके सासाराम में, अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में। इस तरह से आप जो है मकबरे याद करके चलिएगा। इसमें आपके क्वेश्चन कई तरह से बनते, एक तो इनका क्रम हो गया, एक इनके मकबरे हो गए, इनके शासनकाल, इनका जो है इनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट लड़े गए युद्ध है, इतने सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता था। अब आप बात करेंगे हम आगे जहांगीर की, तो जहांगीर जो है आपकी, जहांगीर की हम बात करने वाले हैं। जहांगीर की अगर हम बात करें, ये मैंने गलत लिख लिया है, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। जहांगीर की अगर मैं बात करूँ तो जहांगीर का जो 1605 से जो इसका शासनकाल आपका देखने को मिला, बचपन का नाम इससे कई बार पूछा जा सकता है, तो सलीम के नाम से जो है जहांगीर को पहले बचपन में जाना जाता था। अगर बात करें अकबर की, तो अकबर प्यार से इसे शेखू बाबा कहता था, वैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार हो सकता है एग्ज़ाम में देखने को मिले। इसने जो है इम्पोर्टेंट एक काम किया है, क्या काम किया है, न्याय का घंटा या फिर न्याय की जंजीर आप इसे कहिए, न्याय का घंटा जो है इसके द्वारा लगाया गया था, या फिर न्याय की जंजीर। तो ये किसका महत्वपूर्ण काम है, तो ये आपका जहांगीर का, ये न्याय में ज़्यादा विश्वास रखता था, तो इम्पोर्टेंट है। कहाँ लगाया था, हो सकता है ये भी पूछा जाए, तो आप इसको बता सकते हैं। तो ये इसके द्वारा लगाया गया था आगरा में। आज की क्लास मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी होने वाली है, चलिए जल्द जल्दी मैं कोशिश करता हूँ। इसके अलावा जो है आपका क्या है इम्पोर्टेंट, इसके अलावा जो जहांगीर ने एक काम किया था, वो काम क्या किया था, सिखों के जो आपके जो पांचवे गुरु थे जिनका नाम था अर्जुन देव थे सिखों के जो है पांचवे गुरु, गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी पर जो है इसने चढ़ा दिया था। और क्यों चढ़ाया था, क्योंकि जो है जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो, तो खुसरो ने जो है उसके खिलाफ जो विद्रोह कर दिया था, जिसमें साथ दिया था आपके गुरु अर्जुन देव ने, जो कि इनकी जो है फांसी पर चढ़ाने का कारण बना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा जो है एक नूरजहाँ, आपका जो है आपने नाम सुना हो नूरजहाँ कौन थी, जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की पत्नी जो है नूरजहाँ है, नूरजहाँ की माँ का नाम आपको इंपॉर्टेंट असमत बेगम। तो आप जो है आज की डेट में जो आप ये इत्र जो यूज करते हैं, जिसे आप परफ्यूम नाम देते हैं, अलग अलग फ्लेवर वाले, उसका जो आविष्कार है ये किसने किया था, असमत बेगम ने, जो कि आपकी नूरजहां की मां थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसने जो है गुलाब से इत्र निकालने की इस विधि को जो है खोजा था। इसके मकबरे की बात कर लेते हैं, मकबरा इसका इंपॉर्टेंट है जहांगीर का, तो ये है आपके शाहदरा।
जो कि कहाँ है आपका, ये आपका लाहौर में है, और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपका लाहौर, यानी कि अभी ये भारत से बाहर है। तो अभी तक हमने कितने शासक ऐसे पढ़ दिए जिनका जो मकबरा भारत से बाहर है, एक तो हमने बाबर पढ़ा, दूसरा हमने जो है आपका ये शाहदरा पढ़ा लाहौर में, जो कि आपके जहांगीर का है। तो अभी तक हमने दो मकबरे पढ़ लिए, बाबर का मकबरा और जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किन शासकों के मकबरे भारत से बाहर है, या फिर एक ही कोई इसमें ऑप्शन दे दिया जाए, या जहांगीर ही देंगे या फिर आपका जो है बाबर ही देंगे, तो आपका ये इन दोनों के मकबरे आपके भारत से बाहर है। तो ये आपके शाहदरा में, जो कि आपके लाहौर में है। इसके अलावा इसमें और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होगा, इसने जो तंबाकू पे प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने, तो जहांगीर द्वारा जो है तंबाकू पे प्रतिबंध लगाया गया था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके पास शाहजहां की हम बात करेंगे। अब शाहजहां बच के जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा इसको 30 मिनट से पहले ही कवर करें। शाहजहां की बात मैं करूं तो 1627 से इसका शासनकाल आपका देखने को मिलता है। अजुमन बानो बेगम के साथ इनका विवाह हुआ था, जिन्हें जो है उन्होंने जो है मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी। अगर मैं आपको बताऊं कि ये मलिका ए जमानी कौन है, तो ये वही है मुमताज, जिसको नाम आप जानते हैं। तो मुमताज नाम से तो आप इन्हें जानते ही है, मुमताज महल। तो ये मुमताज महल आपके कहाँ है, आप सभी को पता होगा, आगरा का जो ताजमहल है, मुझे भी जाने का मौका मिला है। अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। जितना सुंदर ये इमेज में बाहर से दिखता है, उतना ही सुंदर ये रियलिटी में बाहर से है। बाकी अंदर तो इसमें कुछ नहीं, अंदर तो आपकी इसमें कवर ही है। बाकी जितना सुंदर बाहर से है उतना ही सुंदर है ये, बाकी अंदर इसमें कुछ भी नहीं है। कलाकारी आप देख सकते हैं, अगर आप जाना चाहें तो एक बार ज़रूर जाइएगा। इसके अलावा जीटी रोड की जो मैं बात कर रहा था, शेरशाह सूरी, जो इसको मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, जीटी रोड जो आपका बाघा बॉर्डर है 8% की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर भी अगर आपको जाने का मौका मिले तो बड़ा ही अच्छा जो है, उसमें शाम के टाइम जो है परेड का जो है प्रोग्राम होता है, आजकल पता नहीं हो रहा और मुझे नहीं पता, पर वहाँ भी अगर आप जाना चाहें तो एक बार ज़िंदगी में जाइएगा। जो आपके अंदर वहाँ जोश जो आपके अंदर पैदा होगा वो आपके अंदर कहीं और नहीं हो सकता, एक बार जाके उसको एक्सपीरियंस को आप जो है देखना। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, अब बात करेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है मयूर आसन। मयूर जो आपका सिंहासन है या फिर आसन है, कुछ भी कहिए आप इसे, मुझे लिखने में थोड़ा सा शर्म भी आ रही है, अगर आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा, बहुत ही गंदी लिखाई बन रही है। हाथ से मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रीन काफ़ी छोटी है। चलिए मयूर सिंहासन की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने लिख भी दिया है अपनी ओर से। तो शाहजहाँ द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया, तख्त ए ताउस इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसको आपने याद रखना है, तख्त ए ताउस। बहुत गंदी लिखाई है, कोई बात नहीं, आज की कुछ टाइम तक आप मैनेज कर लीजिए जब तक आपका लॉकडाउन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है शाहजहां के जो शासनकाल है, शाहजहां का जो शासनकाल है, इसे जो है स्थापत्य कला इस तरह से इसको लिखा जाएगा। स्थापत्य कला का जो है ये स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि शाहजहां का जो किस जो है मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का जो है शासनकाल कहा जाता है। तो ये आपके शाहजहां की हम बात करें तो शाहजहां के शासनकाल को जो है स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, या फिर स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट बनता है, कोहिनूर का जो हीरा है शाहजहां को किसने भेंट किया था, मीर जुमला द्वारा ये भेंट किया गया था। अब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। इसके जो मकबरे की बात, मुझे नहीं लगता इसका मकबरा आपको बताने की जरूरत है। इसका जो मकबरा है वो आपका आगरा के जो ताजमहल है, बीबी का भी मकबरा वहीं है और इसका मकबरा भी उसी के साथ है, तो ऐसा बुक्स में लिखा गया है। बाकी जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर तो एक ही कवर देखने को मिलती है, बाकी मुझे पता नहीं है। वैसे मुझे ये पता है कि मकबरा वही है, अब मुझे ये पता नहीं है कि उसका मकबरा उसके ऊपर ही बनाया है, उसके साइड में बनाया है, मुझे नहीं पता, आप जाकर एक बार देख लेना। औरंगजेब की हम बात करेंगे, औरंगजेब इसके लास्ट बच के हैं, तो और इसको औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। तो जिंदा पीर की जो उपाधि है या फिर जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है, तो ये आपके औरंगजेब को जाना जाता है। 1658 से जो इसका जो है शुरू हो गया था शासनकाल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसने भी जो एक इम्पोर्टेंट या फिर एक जो है गलत काम किया, गलत कहा थी इसने भी, एक जो सिख गुरु की जो है हत्या करवाई थी। तो वो देखो आपके नौवे गुरु जो आपके गुरु तेग बहादुर की जो है हत्या, जो आपके सिखों के नौवे गुरु है, उनकी जो हत्या किसके द्वारा कराई, औरंगजेब द्वारा करवाई गई थी, ये आपका इम्पोर्टेंट है। साथ ही जो है आपका जो है इसने जो एक और किया था इम्पोर्टेंट, जजिया कर,
तो जजिया कर जो है इसने जो है पुनः लागू किया था, तो किसने किया था ये भी इम्पोर्टेंट है। जजिया कर पुनः लागू किया था आपके औरंगजेब ने, ये इम्पोर्टेंट इसमें हो जाता है। इसके मकबरे की बात करें तो इसका मकबरा आपके औरंगाबाद में ऐसा बुक्स में लिखा गया। इसके बीबी का जो मकबरा है, इसका बीबी का मकबरा भी वही है जिसे रबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो इसके समय में एक और अच्छी बात थी, क्या थी कि हिंदू जो मनसबदार थे उनकी जो सर्वाधिक जो जनसंख्या थी उनके जो किसके समय थे, ये औरंगजेब के समय थे, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसने और जो है अच्छे काम किया किए, इसने जो अच्छे काम कहे या फिर आप इसको जैसे भी आपने समझना होगा, सिक्कों पर जो कलमा खुदवाना, इसके अलावा जो इरोखा जो एक दर्शन होता है, मुझे ये लिखना ही पड़ेगा, आपको समझ नहीं होगा, इरोखा दर्शन। इसके अलावा जो है तुलादान प्रथा, इसके अलावा नवरोज त्यौहार आदि पर जो प्रतिबंध किसने लगाया था, तो ये लगाया था आपकी औरंगजेब ने। अब आपसे क्वेश्चन है जो ये नवरोज है, ये नवरोज क्या है, तो नवरोज आपका जो है एक नववर्ष का त्यौहार होता है, वो कहाँ मनाया जाता है, ये क्वेश्चन शायद मैंने HP में ये करवाया है, तो आई होप आपने HP की वीडियो जाके आपने देखी होगी। HP GK जो है 1000 क्वेश्चन किसी से हमने ऑलरेडी कवर कर लिए और बाकी 30 मिनट भी होने वाले, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको जो इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन देखने को सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी आप जो है थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए कुछ दिन, बाकी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए रेगुलर क्लासेस आपके लिए ला रहा हूं। बाकी PDF आपकी साइकोलॉजी की तैयार है, अगर आप लेना चाहें तो 9817783916 पे आप जो है गूगल पे करके 65 रुपीज जिसका अमाउंट रखा गया है इस पे करके जो आप इस PDF को ले सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर भी यही है, उस पर आपने स्क्रीनशॉट बैठना है, आपको जो PDF मिल जाएगी।